हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर पिज़्ज़ा। और इस पनीर पिज़्ज़ा का बेस तैयार करने के लिए ना ही हम यीस्ट यानी खमीर का यूज़ करेंगे, ना ही बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। इस पिज़्ज़ा के बेस को हम बहुत ही नए और हेल्दी तरीके से बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको आज की रेसिपी भी पसंद आए, हेल्पफुल लगे, ईजी लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इस पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में बेक करेंगे, तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। इसमें हम डालेंगे लगभग एक कप नमक और नमक को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके अंदर एक स्टैंड रख दें, ढक्कन लगा दें और इसे मीडियम टू लो हीट पर 10 मिनट के लिए गर्म होने दें। अब हम पिज़्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे मीडियम टू स्मॉल साइज़ का उबला हुआ आलू और अब इस आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। मैं मिनी साइज़ का एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए मैंने छोटे साइज़ का आलू लिया है। अगर आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना है तो आप क्वांटिटी डबल कर लें। और एक बात का ध्यान रखें कि उबला हुआ आलू बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी ना यूज़ करें। आलू को कद्दूकस कर लेने के बाद अब हम इसमें आधा कप मैदा डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें सूजी। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पिज़्ज़ा चाहिए तो आप सूजी की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालें आधा छोटा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें। और इसमें अब हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल या रिफाइंड ऑयल। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। फ्रेंड्स, आप मैदा की जगह पर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इस पिज़्ज़ा के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच फ्रेश दही डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से मिलाते हुए सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटे को गूंथते समय बीच बीच में हल्का सा सूखा मैदा छिड़क लें और इस तरह से मसल मसल कर इसे सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। हमें पिज़्ज़ा के बेस का आटा ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। डो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बिल्कुल आधा चम्मच, और इसे अच्छे से इस तरह से कोट करेंगे। और अब हम ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दोबारा से हल्के हाथों से मसल लेंगे और इस तरह से एक बड़ी लोई बना लेंगे। अब हम इस लोई से पिज़्ज़ा का बेस रेडी करेंगे। ये मैंने केक टिन का बेस लिया है और इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि पिज़्ज़ा बेक होने के बाद आसानी से निकल जाए। आप इसके जगह पर स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। अब पिज़्ज़ा के डो को प्लेट के बीच में रखें और इस तरह से बीच में दबाते हुए डो को स्प्रेड करें। और ध्यान रहे कि पिज़्ज़ा का जो बेस हम तैयार करेंगे उसके साइड को हमें मोटा रखना है और बीच में हमें इस तरह से दबाते हुए पतला रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस पिज़्ज़ा को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप ओवन को प्री हीट कर लें, उसके बाद इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बेक कर लें। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा का बेस रेडी है। अब हम एक फोर्क लेंगे और इसके अंदर इस तरह से प्रिक कर लेंगे ताकि ये बेक होने समय ना फूले। ये देखिए, पिज़्ज़ा का बेस अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके साइड पर बटर लगा देंगे ताकि ये बेक होने के बाद ड्राई ना हो। और बटर को हम साइड पर ही लगाएंगे, बीच में हमें नहीं लगाना है। बटर को अच्छे से लगा लेने के बाद अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर अच्छे अमाउंट में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को स्प्रेड कर लेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और इसे हमें बीच में ही लगाना है, साइड पर नहीं लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है मैंने। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे चीज़ ज़्यादा डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बच्चों को भी चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, तो आप कोशिश करें कि इसमें चीज़ ज़्यादा ही डालें। प्रोसेस चीज़ को डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़ेरेला चीज़ ग्रेट कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा चीज़ी टेस्टी बने। चीज़ डालने के बाद अब हम इस पर स्क्वायर शेप में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। मैं ग्रीन वाला शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रेड येलो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च को डालने के बाद अब हम टमाटो के छोटे छोटे पीसेस को भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं इसमें, ब्लैक ऑलिव डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, या आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे प्याज के छोटे छोटे क्यूब्स। आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए जो भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं सभी को एक ही शेप में काटें, इससे पिज़्ज़ा देखने में भी अच्छा लगता है।
प्याज को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स। पनीर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, या आप इसके जगह पर मिक्स्ड हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा को थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिली फ्लेक्स को डालने के बाद एक पिंच नमक स्प्रिंकल कर दें इस तरह से, और आधा छोटा चम्मच ऑयल भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। अब फाइनली हम इसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ मोज़ेरेला चीज़। तो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। इधर कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब पिज़्ज़ा के प्लेट को सावधानी से कढ़ाई के अंदर प्लेस कर दें। अब कढ़ाई के लिड को लगा दें और इसे लगभग 17 से 18 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक होने दें। पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। स्टोव को बंद कर दें और पिज़्ज़ा के प्लेट को बाहर निकाल लें। पिज़्ज़ा को सर्व करने से पहले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को ज़रूर स्प्रिंकल कर लें। तो अब इस पिज़्ज़ा की स्लाइस कर लें और इस डिलीशियस पनीर पिज़्ज़ा को एंजॉय करें। तो देखा ना फ्रेंड्स, बिना यीस्ट, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर यूज़ किए आप भी घर पर कितनी आसानी से इस पनीर पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज ही इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की रेसिपी हेल्पफुल लगे, ईजी लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।